वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर किशन ओझा आपका स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा और आपके लिए सिविल गुरुजी आज आपके लिए लेके आए हैं कंक्रीट के लिए जो हम टेस्ट करते हैं स्लम कोन टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्क्रीट के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कौन सा करते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट अपने आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले कंक्रीट की मैं बात करूं, जस्ट उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दूं तो आप लोगों को पता है कि ये कंपोजिट मटेरियल है जिसमें हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट को एक प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ ऐड करते हैं ताकि हम उसको मिक्स कर सके और एक कंक्रीट बना सके, जिसके लिए अलग अलग रेशियोज भी होते हैं मिक्स के। तो मिक्स जो हमारा डिपेंड करता है वो उसकी वर्केबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां बात करने जा रहा हूं वर्केबिलिटी की दोस्तों। तो वर्केबिलिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इट इज द ईज विथ विच द कॉन्क्रीट कैन बी प्लेस्ड कॉम्पैक्टेड ट्रांसपोर्टेड एंड फिनिश्ड। मतलब कि कितने इजिली हमने जो कॉन्क्रीट मिक्स प्रिपेयर किया है उसको हम ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, प्लेस करा सकते हैं, कॉम्पैक्ट करा सकते हैं कितना इजिली विदाउट डैमेजिंग इट। मतलब कि वर्केबिलिटी जो है हमारे कॉन्क्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले मैं बात करूं अगर वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट वर्केबिलिटी पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्केबिलिटी इफेक्ट करती है हमारे वाटर सीमेंट रेशियो पे। जैसे कि अगर मेरा वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो मेरी वर्केबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, पर अगर मेरा वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ज्यादा है तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही उसके साइज ऑफ एग्रीगेट्स की बात करूं तो जितने लार्जर साइज पार्टिकल्स रहेंगे, जितना उनके बीच में गैप कम रहेगा उतना हमको सीमेंट पेस्ट कम लगेगा। तो साइज ऑफ एग्रीगेट भी जितना अच्छा रहेगा हमारी वर्केबिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तीसरा मैं बात करूं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की, मतलब कि एक वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में सबसे लीस्ट वॉइड्स रहते हैं। तो मैंने आपको वॉइड्स का जो एग्जांपल बताया, जैसे कि मेरे जो भी एग्रीगेट है वो जो जगह ले रहे हैं उनके बीच में अगर ज्यादा गैप हुआ तो मेरे को सीमेंट पेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा लगेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमको वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करना है ताकि हमारी वर्केबिलिटी इफेक्ट ना हो, हमको ज्यादा सीमेंट पेस्ट ना लगे, हमको ज्यादा उसमें वाटर ऐड करने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए अगर हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अच्छा रहेगा तो हमारी वर्केबिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। अब मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं एडमिक्सचर्स की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे मिक्सर्स हैं जो एक एक्सीलरेटर का भी काम करते हैं और रिटार्डर्स का भी काम करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक एडमिक्सर है प्लास्टिसाइजर, जिसमें प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है अगर जो हमारी वाटर की क्वांटिटी है उसको कम करने के लिए। तो जैसे ही हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं तो जो भी वॉइड्स है वहां पे हमारे प्लास्टिसाइजर चले जाते हैं, तो हमको और एक्स्ट्रा सीमेंट पेस्ट या वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए प्लास्टिसाइजर्स को भी यूज किया जाता है ताकि जो वाटर सीमेंट रेशियो है, जो वाटर का वॉल्यूम है, उसको रिड्यूस कर सके। तो ये एडमिक्सचर्स के कारण भी क्या होती है, हमारी वर्केबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो बात हो गई आपके वर्केबिलिटी की कॉन्क्रीट के। अब वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, जिसमें से आज मैं आप लोगों को स्लम कोन टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो स्लम कोन आप लोगों ने देखा होगा या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा स्लम कोन का जो टॉप डाया होता है वो 100 mm का होता है, जो बॉटम डाया होता है वो 200 mm का होता है, और उसकी जो हाइट रहती है वो 300 mm की होती है। तो स्लम कोन टेस्ट कब हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे ही हमारा जो कॉन्क्रीट है वो बैचिंग प्लांट से हमारे पास आया तो हमको सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करनी होगी, जिसके लिए मैं उसमें से कुछ मटेरियल जो कॉन्क्रीट है उसको निकाल कर साइड में रख लूंगा, फिर मैं स्लम कोन लेके आऊंगा, स्लम कोन को उनके होल्डर्स के साथ अटैच कर दूंगा। अटैच करने के बाद मैं स्लम के अंदर कॉन्क्रीट फिल करना शुरू करूंगा। जो मैं कॉन्क्रीट फिल करूंगा वो चार लेयर्स में करूंगा मैं,
तो चार लेयर्स में जब हम कंक्रीट फिल करते जाएंगे तो हर एक लेयर के बाद हमको उसको विद द हेल्प ऑफ 16 mm डायर टैंपिंग रॉड हमको उसको टैंप करना है। तो टैंप करने के लिए हमको 25 टाइम, जैसे ही मेरा एक लेयर खत्म हुआ मैं 25 टाइम्स टैंपिंग करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर और टैंपिंग करके फिर उसके बाद मैं स्क्रूज को क्या करूंगा, लूज कर दूंगा। लूज करने के बाद जैसे ही मैं उस स्लंप कोन को हम मेरे उठाऊंगा तो मेरे पास कोई एक शेप आएगा। तो वो तीन टाइप के स्लंप हम जनरली देखते हैं। सबसे पहला स्लंप होता है हमारा कोलैप्स, दूसरा होता है शियर और तीसरा होता है ट्रू। तो हम ये स्लंप से जनरली हमको ये चीजें चेक करनी है कि हमारा जो हाइट आ रही है स्लंप की वो कितनी आ रही है। तो उसको भी हम मेजर करने के लिए टैंपिंग रॉड का ही यूज करते हैं 16 mm का, जिसमें हम रीडिंग दी हुई होती है। तो जस्ट मेरे पास जो हॉपर रहता है मैं उसको फिर से उठा के वहां से टैंपिंग रॉड लगा के उसका हाइट मेजर कर लेता हूं। तो वो हाइट से मेरे को ये पता चलेगा कि कितने mm का स्लंप है और वो किस काम के लिए मैं यूज कर सकता हूं। अब मैं बात करूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो स्लंप यूज करते हैं उसका जनरली स्लंप आपका 100 mm से 175 mm तक का आना चाहिए। जितने भी आरसीसी मेंबर्स के लिए हम लोग जो कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो उसके लिए जो हम स्लंप देखते हैं वो 100 mm से लेके 175 mm तक का स्लंप आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक अच्छी और बात बताने जा रहा हूं जिसमें हम स्लंप का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्लंप निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, h/3 ब्रैकेट a1 प्लस a2 प्लस √a1 इंटू a2 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ स्लंप निकाल सकते हैं अगर मेरे को सिर्फ टेस्टिंग करनी हो। जैसे कि ये वीडियोस कुछ स्टूडेंट्स भी प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि वो चीजें वो भी पढ़ रहे हैं, जो साइट में जा रहे हैं वो भी चीजें देख सकते हैं। तो अगर हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी में हमको टेस्टिंग के लिए मटेरियल बनाना होगा तो मैं सिर्फ एक ही तरीके से बना सकता हूं, पहले मेरे को स्लंप का वॉल्यूम निकालना होगा। तो स्लंप का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं डेप्थ बाय 3 करूंगा, मतलब कि जो मेरी डेप्थ है स्लंप की 300 mm, 300 मैंने डेप्थ ले ली। अब A1 और A2 का यहां जो सीन है वो क्या है, A1 जो होता है हम कोई भी अपर डाया या लोअर डाया ले सकते हैं। तो A1 के लिए जो हमारा अपर डाया है, अपर डाया में अगर मेरा 100 mm है तो जस्ट मेरे को π/4d² करना है, वहां से मेरे को A1 मिल जाएगा। फिर दूसरा A2 निकालने के लिए जो मेरा लोअर डाया है, जो बॉटम डाया है वो 200 mm का है, तो वहां पे भी मैं π/4d² निकालूंगा, तो वहां से मेरे को ये A1 और A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A1 A2 की वैल्यू को जब मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मेरे को वहां से उस स्लंप का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब उस वॉल्यूम का विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी सर्वे मैं नंबर ऑफ बैग्स निकालूंगा, कितना मेरे को केजी में, अगर मेरे को बाय वेट निकालना होगा तो मैं बाय वेट भी निकाल सकता हूं कि मेरे को कितने कितने किलो में, कितने कितने केजी में मेरे को सीमेंट डालना है, सैंड डालना है और एग्रीगेट डालना है। तो इस तरह से हम उसका स्लंप को टेस्ट करते हैं जिसमें जो हमारी स्लंप की वैल्यू आती है उसके लिए जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ये IS 456-2000 में दिया हुआ है, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लंप के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज बताया गया है, लिखा गया है कि आप इतने स्लंप के लिए कौन सा वर्क करा सकते हैं। तो जनरली नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए हम लोग प्रिफर करते हैं 100 mm से 175 mm तक का स्लंप। तो ये इसलिए जरूरी है स्लंप टेस्ट करना ताकि हम उसकी वर्केबिलिटी चेक कर सकें। तो यहां स्लंप से उसकी वर्केबिलिटी पता चलेगी, मतलब कि कितना वर्केबल है, कितने इजिली मैं उसको उससे काम करवा सकता हूं, उससे उसका काम ले सकता हूं। फिर वैसे ही कुछ कॉन्क्रीट के और भी टेस्ट होते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी टेस्ट। तो ये सब के रिगार्डिंग भी अगले वीडियोस में आप लोगों को मैं बताते रहूंगा कि क्या क्या टेस्टिंग होती है, कैसे होती है। आज जो हमने बात की वो स्लंप कोन के बारे में बात की, जो कि आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और उसके साथ साथ में इसका क्वांटिटी सर्वे अगर आपको निकालना सीखना है तो आप विजिट करें www.civilguruji.com पे, जहां पे आप देखेंगे कि कैसे हम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपने कोई भी टेस्ट के लिए, कोई भी कॉन्क्रीट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे उसके कंप्रेसिव टेस्ट की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।